दोस्तों, नारियल का तेल जो है वो आप सोच रहे होंगे बहुत सामान्य सा एक तेल है, ये क्या करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, एक चम्मच नारियल का तेल दोस्तों, बस एक चम्मच नारियल का तेल आपके मोटे पेट पे जमी हुई चर्बी, जांघों पे जमी हुई चर्बी को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकता है, अगर तरीका सही पता हो तो। सही तरीका जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर दोस्तों, देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है, जिससे कि आपके पेट पे जमी हुई मोटी सी चर्बी वो एकदम बटर की तरह से पिघल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल GUEST यानी कि घरेलू उपाय सरल तरीके में। दोस्तों, अगर आप अपने मोटापे से, अपने पेट की बढ़ी हुई चर्बी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ उसी तरीके से आप घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करिएगा, जिससे कि आपकी जो ये समस्या है मोटापे की वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, सही तरीके से जानना और इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर आपको इसका फ़ायदा चाहिए 100%। तो बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम, आप इतना समय क्यों ले लेती हैं सारी चीज़ें बताने में, आपको सीधे बस बता देना चाहिए कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे बनाना है, बस हो गया। तो दोस्तों, क्या आप डिटेल नहीं जानना चाहेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या नुकसान होता है, इस जो चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको भी तो चाहिए होता है ना दोस्तों कि आप डिटेल में इसके बारे में जानें। तो जिनको अगर नहीं पसंद है कि वो डिटेल जाने तो स्किप करके वो आगे भी बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी दोस्तों, एक कोई भी ग्लास ले लें, एक कोई भी जार ले लें जिससे आप इजीली पी सकें। तो हमने एक, देखिए, इस तरीके का जार ले लिया है। इसमें दोस्तों अब मैं डालूँगी गर्म पानी। जी हाँ दोस्तों, आप गर्म पानी कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। और देखिए, मैं गर्म पानी इसमें डाल रही हूँ, लेकिन आप जब भी इसको पिए तो गुनगुना ही पिए, इतना ज़्यादा गर्म नहीं पिए कि आपका मुँह ही जल जाए। तो गरम पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और गरम पानी आप एक गिलास भर करके ले लें, और जैसा कि मैं जार में बना रही हूँ तो एक जार इसमें भर के हम पानी लेंगे गरम पानी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी नींबू, तो आधी नींबू हम काट लेते हैं दोस्तों। तो ये लीजिए, आधी नींबू मैंने काट लिया है, और इसका रस जो है वो हम निचोड़ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो नींबू का रस अच्छी तरीके से पानी में आ जाना चाहिए। दोस्तों, नींबू के अंदर फैट काटने की बहुत सारी गुण मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये आपके फैट को काटने में काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं, बदहजमी होती है, या किसी भी तरह की अगर पेट की प्रॉब्लम आपको है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप खाने के बाद में नींबू का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, जो हमें डालनी है वो है, ये हमें डालना है नारियल का तेल। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं एक चम्मच अनफिल्टर्ड नारियल का तेल डाल रही हूँ। दोस्तों, ये खाने वाला तेल है, बालों में लगाने वाला तेल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर बाद में आप शिकायत करेंगे कि मैम, हमारा फैट कम नहीं हुआ। तो इसलिए गलत तेल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फैट कम नहीं होगा। तो आपको खाने वाले नारियल तेल का यानी कि अनफिल्टर्ड कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो एक चम्मच, देखिए, मैंने ये नारियल का तेल ले लिया है दोस्तों, और इतना ही बराबर मात्रा में ही अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ही शहद, यानी कि एक चम्मच हमने नारियल का तेल लिया है और एक चम्मच ही हम लेंगे शहद हनी को। तो ये लीजिए, हम शहद को डालते हैं, शहद भी प्योर होना चाहिए। दोनों चीज़ें जितनी प्योर होंगी उतनी जल्दी हमारी फैट जो है ख़त्म होंगी। दोस्तों, नारियल का तेल जो है वो आपके बालों और त्वचा को पोषित करता है, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इससे आपका मोटापा, आपकी बढ़ी हुई चर्बी भी घट सकती है। तो ये लीजिए, मैंने शहद को डाल दिया है दोस्तों। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कच्चे नारियल का जो तेल होता है दोस्तों, उसमें ट्राइग्लिसराइड नाम का एक फैट होता है, जो कि फैट हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि ये फैट जब हम खाते हैं या पीते हैं तो इससे क्या होता है, हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है,
और जब भूख हमें जल्दी जल्दी नहीं लगेगी तो हम कैलोरी भी बहुत कम खाएंगे। इस वजह से दोस्तों जो भूख लगने की जल्दी जल्दी समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये हमारे पेट की चर्बी को कम करता है। दोस्तों नारियल का तेल और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर आप चाहें तो नारियल का तेल ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी में एक चम्मच इसी तरह से मिला करके आप पीजिए, इससे भी आपका मोटापा जो है, पेट की चर्बी जो है वो घट जाएगी। दोस्तों गारंटेड 100% गारंटी मैं आपको देती हूँ, आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो मोटे पेट है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। दोस्तों वजन भी आपका इससे कम होता है। दोस्तों जब हम ग्रीन टी में नारियल का तेल डालकर पीते हैं दोस्तों तो ये हमारे मेटाबॉलिक प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही शरीर में जमे फैट को गलाने का भी काम करता है। तो लेकिन जो मैंने ये मिश्रण बताया है ये तो बहुत ही सोने पे सुहागा है, ये आपके जमे फैट को बहुत अच्छी तरह से गला देगा और बाहर निकाल देगा। दोस्तों चलिए मैं अब आपको मेन चीज़ बताती हूँ कि इसे पीना कैसे है। दोस्तों इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है, जिस तरह से मैंने आपके लिए ये बनाया है इसी तरह से बना करके हल्का गुनगुना आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। उसके बाद आप रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें, दो वक्त इसका इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपका जो मोटा पेट है वो 7 दिनों में ही काफ़ी कम नज़र आएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके बड़े काम की होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, यहाँ तक वीडियो आपने देखी है और तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार नई वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।